रीवा में 4 वर्षीय मासूम को टॉफी दिखाकर रेप करने वाला दुष्कर्मी गिरफ्तार हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले के सुहागी थाना अंतर्गत एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। सूत्रों की माने तो दुकानदार ने टॉफी का लालच देकर अंदर बुलाया, इसके बाद गलत हरकत की। वारदात के बाद मासूम रोते विलखते हुए घर पहुंची, जहां मां ने घटना पूछी तो बेटी ने आरोपी की ओर इशारा किया। साथ ही मासूम के कपड़े रक्त रंजित थे, मासूम के शरीर से ब्लड बहता देख दूसरे दिन मां अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंच गई, जहां बयान के बाद मेडिकल चेकअप कराया गया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 136 2022 IPC की धारा 376 AB व 56 पॉक्सो एक्ट कायम किया। साथ ही कुछ घंटों बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया है। सुहागी थाना प्रभारी निरीक्षक OP तिवारी ने बताया कि शनिवार को दुष्कर्म का एक मामला सामने आया था। थाने पहुंची फरियादिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दुकानदार दीप उर्फ लाल गुप्ता पुत्र रमेश गुप्ता 22 साल निवासी छिल्ला वार्ड क्रमांक 13 से 4 वर्ष 6 माह की बच्ची के साथ रेप किया है। तुरंत महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में बयान कराए, इसके बाद दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट कायम कर आला अधिकारियों को अवगत कराया। सूत्रों की माने तो यह वारदात शुक्रवार की रात 8 बजे हुई है। चर्चा है कि मासूम खेलते खेलते दुकान की ओर चली गई थी, जहां आरोपी ने शर्मनाक हरकत करते हुए दुष्कर्म किया था। रेप की सूचना पाते ही SP नवनीत भसीन हरकत में आ गए। तुरंत ASP विवेक कुमार लाल के नेतृत्व में टीम बनाकर SDOP त्योथर समरजीत सिंह और थाना प्रभारी OP तिवारी की मौजूदगी में आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट द खबरदार न्यूज।